बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर और आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से विदाउट ओवन बेकरी स्टाइल ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी लेके आए हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ कप घी लेंगे, मैंने देसी घी यूज़ किया है, आप इसकी जगह डालडा घी या अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक अंडा ऐड करेंगे इसमें। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हाफ कप आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर की जगह आप घर में जो नॉर्मल चीनी होती है उसे भी पीस के यूज़ कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून ज़ीरा लिया है मैंने इसमें, इसमें से थोड़ा मैंने बचा लिया है जो आगे जाके हम यूज़ करेंगे। वन टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1.5 कप मैदा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। जब तक हम इसमें मैदा मिक्स कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब इसमें सारा मैदा ऐड कर देंगे और हाथों की मदद से इसकी एक अच्छी डो तैयार कर लेंगे। इसमें दूध या पानी कुछ भी ऐड नहीं करना है, घी और अंडे का जो मिक्सचर था उसी से हम इसकी डो गूंदेंगे। ये देखिए डो रेडी है हमारी। अब आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे हम। अब एक शॉपर लेंगे, अब इसे जिस तरह मैं कट करें उस तरीके से कट कर लेंगे।
ये देखिए शॉपर को कट कर लिया है। अब इसमें बिस्किट की डो रखेंगे। और इसे बेलन की मदद से बेल लेंगे। बहुत पतला नहीं बेलना है इसे। जो जीरा हमने पहले बचाया था वो अब हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। और एक दफ़ा बेलन चला देंगे ताकि ज़ीरा अंदर लग जाए। ये देखिए गोल कटर की मदद से कट कर लेंगे बिस्किट। अब आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। ये देखिए इतना ही थिक रखना है हमने इसे, बहुत पतला नहीं बेलना। अब इसे एक प्लेट में रख देंगे। 10 मिनट पहले मैंने एक कढ़ाई में स्टैंड रख के उसे गरम कर लिया था। अब इसे 30-35 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। ये देखिए 30-35 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन कलर आया है। इसी तरह से हम अपने सारे बिस्किट तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप घर में ट्राई करने के बाद बेकरी से ज़ीरा बिस्किट लेना भूल जाएंगे। इतने मज़ेदार और खस्ता बनेंगे ये। ये देखिए मज़ेदार बिस्किट तैयार है। चेक करें आप कितने खस्ता हैं। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।